हेलो एवरीवन कल मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो शेयर किया था ऑन पॉलिसी रिफॉर्म्स प्रपोज्ड अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकिन मैंने कुछ फोरम्स में देखा कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कुछ रिफॉर्म पॉइंट्स को लेके काफी कंफ्यूजन है वो उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट हैं तो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है सो प्लीज रेफर टू Some authentic source of information and best is to read the policy document yourself. Taki, because this is a very important subject, this has to do with your career. योर चाइल्ड करियर सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दी राइट इन्फॉर्मेशन मैं इसमें कुछ क्वेश्चन अड्रेस करने वाली हूँ जो मैंने देखा जिन पॉइंट्स को लेकर कन्फ्यूजन है और मैंने इसलिए स्पेसिफिकली इसमें क्लॉज पॉलिसी का क्लॉज नंबर मैंशन किया है ताकि आ, ये मेरा इंटरप्रटेशन नहीं है ये वो है जो कि पॉलिसी खुद बोल रही है सो so, पहला पॉइंट है कि क्या अब क्लास थ्री फाइव एट टेन और ट्वेल्व में ही एग्जाम्स होंगे और इसके अलावा एग्जाम्स नहीं होंगे क्या ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है पॉलिसी ये कह रही है पॉलिसी का क्लॉज 4.36 आप रेफर करें पॉलिसी ये कह रही है कि आज के डेट में बोर्ड एग्जाम सीधे क्लास टेंथ से शुरू होता है तो हम क्लास टेंथ में ही जाके सीधे बच्चे को एवैल्युएट करते हैं जो एक इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन है हम स्कूल जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे तो एक जो इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन हो रहा है वो सीधे जाके क्लास टेंथ में हो रहा है तो वाई टू डू इट इन क्लास 10th एंड वाई नॉट अ लिटिल अर्ली सो दे शुड हैव दिस काइंड ऑफ एवेल्युएशन दिस काइंड ऑफ असैसमेंट इन क्लास 3 5 एंड एट ऑलसो तो अब बोर्ड जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं टेंथ और ट्वेल्थ के अलावा क्लास थ्री फाइव एट में भी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कंडक्ट करेगा जिसका पर्पज होगा बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक करना और उसका कंटिन्यूस जो लर्निंग प्रोसेस है उसे इवेल्युएट करना एक बहुत ही कंसर्न और क्वेरी ये है कि इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस क्या होंगी तो अगर हम टाइमलाइंस की बात करते हैं तो ये अकेडमिक ईयर 2021-22 से स्टार्ट होगा वहां से आप इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे तो इस अकेडमिक सेशन से जो कि क्लास नर्सरी टू क्लास टू के लिए uh, एक रिवाइज करिकुलम की बात प्रपोज uh, हुई है उसमें आप चेंजेस देख पाएंगे सिमिलरली क्लास नाइन्थ से जो हमने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करी है कि बच्चा अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले पाएगा वो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे अब असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये बच्चा जब नेक्स्ट ईयर टेंथ में आएगा एकेडमिक ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में इस टाइम पे पहली बार जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसका पैटर्न नए पैटर्न के हिसाब से होगा जिसमें हम कह रहे हैं कि रॉक लर्निंग पे फोकस नहीं होगा बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल एनालिसिस इन सब पे फोकस होगा ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो so, जो नया पैटर्न होगा बोर्ड एग्जाम का वो आप पहली बार देखेंगे अकेडमिक ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में नेक्स्ट 23, 24 में ये बच्चा, 11th में जाता है एंड 24, 25 में जो ये ट्वेल्थ में अपियर होगा इसमें पहली बार ट्वेल्थ का एग्जाम इस नए बोर्ड पैटर्न के हिसाब से होगा सो so, ये स्कूल uh, लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस कुछ इस तरीके से होंगी हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिटेल अभी हमें नहीं मिले हैं पॉलिसी में कहीं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिया है ऐसा जरूर कहा है कि 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज अवेलेबल होगा लेकिन अगर आप पूछें कि नेक्स्ट ईयर से या मतलब नेक्स्ट ईयर में इसकी बात कर रही हूँ 2021-22 से कि आपके कॉलेजेस में क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो उस पर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं दी गई है हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी बड़े चेंज का जो चेंज होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन फेस्ड मैनर में होता है तो अगर कोई टारगेट सेट किया गया है 2030 तक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हर साल में आप प्रोग्रेस देखेंगे तो फर्स्ट लेवल पे क्या अचीव करने वाले हैं कितना परसेंटेज अचीव होने वाला है किस तरीके से होने वाला है वो डिटेल्स अभी गवर्नमेंट से आने बाकी हैं ब्रॉड लेवल पे जो स्कूल में Uh, उन्होंने कुछ गोल्स सेट किए हैं वो इस तरीके से कि जो यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं हम वो 2025 तक अचीव करना जब हम इसकी बात करते हैं कि अचीव करना है 2025 तक तो हम ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें हम आंगनवाड़ी की बात करें हम बहुत बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये जो गोल सेट हो रहा है ये उस एस्पेक्ट में हो रहा है कि कंट्री लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन इस डेट तक इंश्योर हो जाएगा सिमिलरली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन विल बी अचीव्ड बाई ट्वेंटी थर्टी टीचर्स टू बी प्रिपेयर फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट एक जो क्वेरी मैंने देखी थी जो कि थोड़ी सरप्राइजिंग भी थी कि कुछ लोगों का ये कंसर्न था कि जो हमने मल्टी की बात करी है पॉलिसी में क्या वो क्या उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अब जो बच्चे हैं फिफ्थ क्लास तक वो इंग्लिश में पढ़ नहीं पाएंगे और वो रीजनल लैंग्वेजेस में ही पढ़ेंगे या वो हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है तो मैंने सबसे पहले तो इसमें क्लॉज मेंशन किए हैं स्पेसिफिक क्लॉज पॉलिसी में जो कि आपको खुद पढ़ने चाहिए अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली लिखा है द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला विल कंटिन्यू टू बी इंप्लीमेंटेड मतलब जो अभी हमारा स्ट्रक्चर है इंग्लिश हिंदी एडिशनल लैंग्वेज वो स्ट्रक्चर रहेगा अब बात सिर्फ ये हो रही है आप uh, इस तरीके से समझिए उसे कि आ, सब बच्चे इतने प्रिवलेज नहीं है इकोनॉमिकली उतने दे आर नॉट एट पार और इस वजह से लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो अपनी पढ़ाई उस तरीके से नहीं कर पाते हैं आप ट्राइबल बच्चों के बारे में भी सोचिए आई मीन दिस ह्यूज पॉपुलेशन जब कोई डिसीजन लेता है लिया जाता है जब कोई पॉलिसी बनती है तो ये सारे सेगमेंट्स को हमें लेके चलना होता है तो दिस ओनली मीन्स कि जहां पे पॉसिबल हो वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेर एवर रिक्वायर्ड वेर यू वांट योर चाइल्ड टू स्टडी इन अ रीजनल लैंग्वेज सो यू हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल विद यू कि आप चाहे तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट स्कूल शुड गिव यू दिस प्रोविजन आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि क्लास फाइव तक या क्लास एट तक आप अपने बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सके दिस इज ओनली वॉट इट मीन्स पॉलिसी में आप देखेंगे तो उन्होंने संस्कृत की भी बात करी है कि संस्कृत भी एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए उन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस की भी बात करी है कोरियन चाइनीज जैपनीज था फ्रेंच जर्मन स्पैनिश और रशियन ये सब भी एज थर्ड लैंग्वेज बच्चे को ऑप्शन में अवेलेबल होने चाहिए सो द इंटेंट इज ओनली टू गिव यू ऑप्शन आपके पास आपके जरूरत के हिसाब से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ताकि आपकी पढ़ाई सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं रुके आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसमें आपको सपोर्ट करेगी दैट इज पर्पस ऑफ दिस इंटायर प्रोविजन दिस एंटायर क्लॉज इसके अलावा अगर आपको और ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है यू कैन ड्रॉप ड्रॉप मैसेज और आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं and I'll try to address them all. Thank you.